नमस्कार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा स्कूल खुलने का समय हो चुका है, और दोस्तों हम जब 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं या फिर 10वीं पास करके 11वीं में जब एडमिशन कराते हैं, तो दोस्तों उस समय एक छात्रवृत्ति फॉर्म भरा जाता है। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था कि उस छात्रवृत्ति फॉर्म को स्कूल में ही फिलअप कर लिया जाता था, लेकिन अभी जो रूल हो गया है वो ऑनलाइन करके आपको स्कूल में जमा करना होता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही एक छात्रवृत्ति फॉर्म को ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हैं। और दोस्तों आप अगर कोई कंप्यूटर वाले या दुकान वाले हैं तो आप ये फॉर्म भर के अच्छा खासा पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल पर स्क्रीन पर ले चल के आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आप एक छात्रवृत्ति फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगी, भविष्य में कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद से उसमें गूगल ओपन कर लेना है, उसके बाद से सर्च बार में आपको टाइप करना है स्कॉलरशिप UP.NIC.IN। दोस्तों जैसे आप उसमें डाल के टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद से इस तरह का आपका वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उसके बाद से क्या करना है दोस्तों, आपको स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका जो यूपी गवर्नमेंट का वेबसाइट है इस तरह का खुल के आ जाता है। उसके बाद से दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपको स्टूडेंट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद से देखिए खुल रहा है, ये देखिए अभी वेबसाइट खुल चुका है। उसके बाद से इसमें देखिए जो तीन कैटेगरी है इसको आपको इसमें अपने हिसाब से जो आप जो कैटेगरी में आते हैं उसको आपको चुन लेना है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, इसमें जो सभी कैटेगरी के जो फॉर्म एक ही जैसे होते हैं, जैसे कि इसमें क्या करना है, उसके बाद से प्री मैट्रिक फ्रेश पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह का ये इसका जो फॉर्म है इस तरह का खुल के आ जा रहा है। आपको ये सब फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए हम आपको भी फॉर्म फिलअप करके दिखा। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें अपना ज़िला चुन लेना है, जो भी आपका यूपी में ज़िला है वो आपको चुन लेना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपको जो जो स्कूल में आप एडमिशन कराने जा रहे हैं वो स्कूल का नाम इसमें आपको डाल लेना है। उसके बाद से दोस्तों देखिए इसमें आपका तीसरे स्टेप में आपका जाति पूछा जाएगा कि आप अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं या आप सामान्य वर्ग हैं, तो आपको अपने हिसाब से इसमें चुन लेना है। उसके बाद से दोस्तों इसमें आपको चौथे स्टेप पर धर्म पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका इसमें धर्म है उसको आपको इसमें चुन लेना है। उसके बाद से पांचवें स्टेप में इसमें जो छात्र का या छात्रा का नाम है उसमें आपको डाल लेना है। तो चलिए हम आपको इसमें डाल के दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से इसमें छठे स्टेप में इसके पिता का नाम इसमें डाल देना है। तो चलिए हम पिता का, देखिए दोस्तों इसमें पिता का भी नाम हमने डाल दिया। उसके सातवां स्टेप इसके माता का नाम इसमें डालना है, तो इसके माता का भी नाम हम चलिए डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें माता का भी नाम डाल लिया। उसके बाद से आपको इसमें अपना जन्म तिथि जो स्कूल के सर्टिफिकेट में उसको आपको इसमें डाल देना है। तो चलिए हम इसमें अपना जन्म तिथि भी डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो आपका जो नवा स्टेप आ गया इसमें आपको जेंडर पूछा जाएगा, तो अपने हिसाब से आपको इसमें जेंडर आप चुन लीजिए। उसके बाद से आप कक्षा आठ उत्तीर्ण करने का जो जो आपने कक्षा आठ जो पास किया है वो कौन से वर्ष में आपने पास किया था, तो इसमें आपको दोस्तों अपने हिसाब से इसको चुन लेना है। उसके बाद से ग्यारहवा स्टेप है कक्षा आठ में अध्ययन करने का विद्यालय, तो जो आपका जो विद्यालय है उसका नाम जहाँ से आपने आठवीं कक्षा पास किया था उस विद्यालय का नाम इसमें आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो अपना इसमें मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। चलिए हम आपको मोबाइल नंबर भी आपको डाल के दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना इसमें मोबाइल नंबर भी डाल दिया। उसके बाद से आपके पास ईमेल है तो आप इसमें डाल
देखिए 15वां स्टेप है दूरभाष नंबर, तो दोस्तों आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद से आप में 16वां स्टेप है ईमेल, दोस्तों आपके पास ईमेल है तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद से आपको जो मेन 17वां स्टेप है पासवर्ड डालें, तो दोस्तों आपको इसमें पासवर्ड एक क्रिएट करना होगा, जो अपने से खुद से क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों इसमें पासवर्ड का आपको मेन ध्यान देना है कि पहले आपको क्या करना है कि जो तीन अभी से आपका नाम उमेश है तो UME लिख के उसके बाद से उसमें ऐड हैज, उसके बाद से कोई तीन नंबर डाल दें जैसे कि 875, इस तरह का आपको पासवर्ड इसमें बना लें। तो चलिए हम दोस्तों पासवर्ड भी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। उसके बाद से 18वां स्टेप है कि कंफर्म पासवर्ड डालना, इसमें भी हमने पासवर्ड कंफर्म डाल दिया। उसके बाद से जो एक कैप्चा कोड दे रहा है इसमें नीचे बॉक्स में आपको भर लेना है, जैसे आपको ये कैप्चा कोड दिखा रहा है उसको सेम वैसा ही भर लेना है। चलिए हम आपको भर के भी दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कैप्चा कोड भी भर लिया। उसके बाद से आपको क्या करना है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद से जो आपका जो फॉर्म है इस तरह का पूरा फिलअप होके आ गया है, तो इसको दोस्तों आपको क्या करना है, सही से देख लेना है। उसके बाद से क्या करना है, इसको आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए हम आपको स्क्रीनशॉट भी लेके एक दिखा देते हैं। देखिए इस तरह का ये वेबसाइट खुल के आएगा। उसके बाद से दोस्तों इसमें जो उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें जो आपका रजिस्टर संख्या है उसको आपको कहीं नोट कर लेना है। और उसके बाद से ये प्रिंट निकाल के जिस आदमी का आप कर रहे हैं, दोस्तों आपको ये प्रिंट निकाल के जिस स्टूडेंट का आप कर रहे हैं उसको इसको आपको दे देना है। और ये नंबर आपको किसी कॉपी में लिख लेना है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा भी आ रहा है कि इस नंबर को आप नोट कर ले। तो दोस्तों चलिए, मैंने इसको नंबर को नोट कर लिया है। उसके बाद से क्या करना है हमें कि अपने होम पेज में चला जाना है, होम बटन पर दबा के इसमें चले जाना है। दोस्तों देखिए, जैसे हमने होम बटन पर क्लिक किया तो इस वेबसाइट के होम पेज में हम आ गए हैं। दोस्तों वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस था। दोस्तों इसके आगे जो फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है, आपको क्या करना है कि इसमें लॉगिन होना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको स्टूडेंट पे आपको क्लिक कर देना है और जो इसमें लिखा है फ्रेश लॉगिन, इस पर आपको फिर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने लॉगिन फ्रेश लॉगिन पे क्लिक किया तो ये इस वेबसाइट में बता रहा है कि कमिंग सून। दोस्तों ये क्या है कि गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक इस वेबसाइट को एक्टिवेट नहीं किया गया है। दोस्तों जैसे ही 8 या 10 दिनों में इस वेबसाइट को एक्टिवेट किया जाता है तो इस आगे का जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक दोस्तों क्या करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसके ऊपर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि इस आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें आपके पास आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो और आधार नंबर और बैंक का एक अकाउंट होना चाहिए, तब जाके आप उस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वाले का भी ख्याल रखें। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।